नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पर तमाम जो इंटरव्यूज़ हैं, चाहे लोगों के हों चाहे किसी संस्थान के हों, सभी चीज़ों के इंटरव्यूज़, उनके टैलेंट्स, सभी चीज़ों के बारे में हम बता चुके हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास इसलिए है क्योंकि एक सोशल एक्टिविटी को लेकर हुआ है। अपने इस प्रकृति को बचाने के लिए बच्चों को आखिर किस तरीके से मोटिवेट किया गया, वॉलंटियर्स 80,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने इस ये जो पूरा रिकॉर्ड था उसमें काम किया। और मैं संस्थाओं के नाम बता दूं तो इसमें अटल इनोवेशन मिशन और साथ में डेल इंटरनेशनल सर्विस और लर्निंग लिंक फाउंडेशन जो है, ये तीनों संस्थान शामिल हुए, जिसमें एक एनजीओ है, एक जो जिन्होंने मतलब एक डेल है और साथ में अटल जो कि एक सरकारी संस्था है, तीनों ने मिलकर काम किया। और आखिर कैसे बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, कैसे रिकॉर्ड बनाने में जो है वो कामयाब हो पाए, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो अधिकारी होंगे वो भी मौजूद होंगे और साथ में तमाम जो अन्य अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद होंगे। उनसे एक एक करके बात करते हैं और आपको ये जो पूरा रिकॉर्ड है इसके बारे में बताते हैं। Hello everyone. At Learning Links Foundation, we are committed to driving positive change in communities. I am so happy to share a significant achievement that fills me with pride. Over 80,000 passionate volunteers came together to help us craft eco-friendly products through initiatives focused on reducing, reusing, and recycling. We also assembled 101 climate clocks across hundreds of our intervention schools on December 4th and 5th, 2023, coinciding with International Volunteers Day. The enthusiastic volunteers contributed to our collective movement to protect the planet. I extend my congratulations to Dell Technologies, Atal Innovation Mission, Niti Aayog, and our dedicated team at Learning Links Foundation on their well-deserved recognition by the India Book of Records. This collaboration has been incredibly rewarding, and we remain committed to expanding our impact in the future. अभी हमारे साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो होंगी मिस शिल्पा तिवारी जी। मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे बताएंगे, जैसे कि अभी डेल ने ये जो पूरा रिकॉर्ड है इसके लिए अप्लाई किया था, LLF जो है उस वो एक NGO है और जो दूसरा एक और टीम पार्टनर है, इन सभी ने मिलके जो है ये रिकॉर्ड कायम किया। इस रिकॉर्ड के बारे में मुझे पहले कुछ बता दीजिए। हाँ, तो आपने सही समझा, एक लिंक्स फाउंडेशन है जो इनकी एक पार्टनर है, एक डेल पार्टनर थे और एक जो मेन जो मेन कॉन्सेप्ट था जिनका, वो है अटल मिशन। ठीक है, तो अटल मिशन ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो इम्प्लीमेंट किया लिंकिंग फाउंडेशन ने और लर्निंग फाउंडेशन ने, और उसको एनेबल किया टेक्नोलॉजिकली डेल ने। तो तीनों पार्टनर्स ने जो मिलके जो एक खूबसूरत रिकॉर्ड बनाया है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ विद मैक्सिमम वॉलेंटियर्स का था। तो मैक्सिमम वॉलेंटियर्स अगर कहेंगे तो 80,000 पीपल हैड वॉलेंटियर्ड to bring up products which ranged 70,000 plus. तो प्रोडक्ट्स कौन से होंगे जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया या फिर जो कम्युनिटी मेम्बर्स, हाँ, ये वॉलेंटियर्स गए थे, जो वॉलेंटियर्स गए थे उनको या तो अपने स्कूल के बच्चों पे स्कूल पे बुलाया गया था वेन्यू पे, या तो फिर वो अपने डेल के ऑफिस में अपने बच्चों के साथ या जहाँ पे भी उनको बुलाया गया, उन्होंने ये मोबिलाइज किया कि जो जो घर की फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं उससे आप कैसे एक प्रोडक्ट, हाँ, कुछ नई चीज़ इनोवेट कर सकते हैं। बेसिकली तो, ये जो रिकॉर्ड है ये तो एनवायरनमेंट को लेकर था। हाँ, तो इनका जो मेन फीचर था वो था टिकटॉक क्लॉक। तो जो टिकटॉक क्लॉक बनाने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है, टिकटॉक किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, तो टिकटॉक एनवायरनमेंट के लिए वो चीज़ थी कि जैसे कि एक व्यक्ति की उम्र
एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो सांसें गिनी हुई हैं। इसी तरह से एनवायरनमेंट की भी सांसें गिनी हुई हैं, तो उसकी टिकटॉक क्लॉक चल रही है। तो वो जो चला दी उन्होंने हर स्कूल में जाके, और पहले तो बच्चों को सिखाया कि इस चीज़ को कैसे बनाया जाता है, और वो जूम सेशन में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया था। और फिर जब वो ये बात समझ गए तो वो क्लॉक हर जगह टांग दी गई है कि अब 5 साल कुछ महीने बचे हैं आपकी इस एनवायरनमेंट को ख़त्म होने में, ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए अगर आपने तुरंत कुछ नहीं स्टेप्स उठाए, कुछ अच्छा काम नहीं किया एनवायरनमेंट को वो रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग एक दिन ख़त्म कर देंगे। तो ये जो टिकटॉक क्लॉक थी ये इस चीज़ का मेन वो था। अच्छा, मतलब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कौन से पैरामीटर्स को वेरीफाई किया है आफ्टर दैट ये रिकॉर्ड जो है या डेल को या LLF को दिया गया है? तो बेसिक इनका रिकॉर्ड इसलिए था क्योंकि मैक्सिमम वॉलेंटियर्स को इन्होंने एनर्जाइज करके और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाए थे। अच्छा। और मैक्सिमम ना सिर्फ वॉलेंटियर्स को इन्होंने वो इकट्ठा किया एक ही चीज़ को करने के लिए, बट आल्सो मल्टीपल एवेन्यूज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल के लाए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इन लोगों के लिए जो कि पहले कुछ किसी ने किया नहीं, हाँ किया नहीं था। तो इस श्रेणी में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये तीनों बहुत जो अपने आप में बहुत फेमस हैं, अटल और ये डेल और ये सब लोग ये लर्निंग लिंक्स में। हाँ, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तो 18 साल से 40,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर चुका है और अपने आप में एक मतलब नेशनल क्रेडिबिलिटी है इसकी पूरी। कौन से एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड बुक्स के साथ, हाँ के साथ ये इसका वो है पार्टिसिपेशन है। इसलिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की एक सिस्टर कंपनी है। तो इन्होंने तो बहुत लगातार रिकॉर्ड बनाने में ना सिर्फ सहायता की है बट ऑल्सो गाइड किया है लोगों को कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उभरते हुए टैलेंट्स को मंच देता है। हाँ, मंच तो देता ही है, रिकग्नाइज भी करता है और उनको गाइडलाइंस भी देता है कि कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो वो तुरंत मतलब उस चीज़ को समझ जाएं और अपना बेस्ट पोटेंशियल निकाल के रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। राइट नाउ वी हैव द प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग मिस दीपाली मैम, वेलकम। थैंक यू। एंड आप मुझे कुछ इवेंट के बारे में बताएंगे, जैसे आपने अप्लाई किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, तो नीति आयोग की तरफ से आप जो है यहाँ पर आए हैं और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है एनवायरनमेंट को आगे बचाने के लिए? जिस तरीके से टिकटॉक क्लॉक के बारे में बताया गया मुझे, तो क्या इनिशिएटिव्स आगे लेने वाले हैं? So, Niti Aayog has a flagship program called Atal Innovation Mission, and within that, there is a program that is the Atal Tinkering Labs program. Mm. In this program, we have set up tinkering labs and maker spaces in 10,000 schools across the country in 722 districts. Now, these tinkering labs are actually hubs of innovation, where students are tinkering to solve community problems. And one of the biggest community problem is environment, you know, and it is a global problem. So, हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कम अप विथ सॉल्यूशंस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, रिलेटिंग टू मोबिलिटी। सो दीज आर थिंग्स दैट स्टूडेंट्स हैव बीन इनोवेटिंग ऑन। सो वन रोल दैट वी प्ले इज कॉन्शियसली एवरी ईयर कमिंग आउट विथ हैकाथॉन्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विच आर लिंक्ड टू एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, SDGs, एज वेल एज एनी नेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। Students tinker throughout the year in these tinkering labs, but initiatives like this, TikTok, green energy, various other initiatives. So we constantly partner with organizations. Dell has been a great partner for several years, where every year we try to do something meaningful with them for the students, for tinkering, for innovation. But we do that with several other partners like Energy Swaraj Foundation. We've collaborated with CBSE, with several other institutions in the past, where our focus has been on having students come up with innovative solutions for environment and becoming very environment conscious. So we've also run several energy literacy programs in collaboration with partners where we educate and train students on becoming more conscious. So first, reduce the use and come up with solutions to solve this problem. So both ways. So what do you think about India Book of Records? India Book of Records is a great way of, you know, recognizing or putting a
a certificate to those efforts that have been done by lots of people coming together. The power of community, I think a Book of Records shows that, you know, what you can achieve when you come together as a community to solve one common thing. So I feel it's a great way of encouraging more and more students, communities to come forward to do something in large numbers. Right. We need such institutions and such certifications and such records for that purpose. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Thank you for having me. We have right now the innovation lead from Niti Aayog, Mr. Prateek. Sir, welcome. Hi, thank you. Can you tell us something about this whole event? So we have partnered with the Dell Technologies and Learning Link Foundation. So this was an initiative to promote environment friendly practices in all the schools. So we have a network of 10,000 Atal Tinkering Labs across the country. So we had asked all these schools to participate in this event, and Dell and LLF have been our strong partners for last many years. And so this was a good initiative to not only help students tinker with the equipment they have, but at the same time be environmentally conscious. Okay. So jaise 40,000 ya 80,000 se zyada volunteers ki baat yahan par hui hai, to ye sari cheeze manage kar pana aur kaise aap ye sari cheeze manage kar paye? To main credit to iska actually Learning Link Foundation aur Dell ko jata hai. Hamara kaam mainly tha schools ko mobilize karna aur mainly instructions provide karna. Kaise sare instructions ko follow? Hum usually sare schools se connected hote hain through emails, social media, WhatsApp groups. To hum uske through communications hamara on tha. And plus hamare jo bhi networks hote hain, hum unme bhi spread karte hain, jaise ki you do participate in it. तो आपको क्या लगता है इस तरीके के और रिकॉर्ड्स बनने चाहिए या फिर किस कैसे ये मोटिवेट करेगा? फॉर श्योर, मतलब ये तो सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है और जो मोस्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वही उन्हें ही एक्चुअल उसका ब्रंट फेस करना है. हम तो निकल जाएंगे और वो जो हैं, जब वो एडल्ट्स होंगे तब उसका रियल इम्पैक्ट आएगा. तो अगर आज से ही वो कॉन्शियस होंगे तो तब तक मे भी हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाए. थैंक यू सो मच प्रतीक. थैंक यू. सो राइट नाउ वी हैव द हेड ऑफ APJ फ्रॉम डेल. सो अर्चना मैम, वेलकम. थैंक यू. एंड जैसे ये रिकॉर्ड जो है कायम किया गया है, डेल और LLF और जो नीति आयोग है, उन सब तीनों को मिलाकर, तो आपका क्या कहना है इस रिकॉर्ड को लेकर? हाँ, ये रिकॉर्ड मुझे लगता है कि काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे केम टुगेदर एंड एज आई वाज शेयरिंग इज़ दैट आई फील द इम्पैक्ट दैट इट हैज़ क्रिएटेड इन 2 days इज़ मच बिगर देन एनी रिकॉर्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दिस हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन टू केयर अबाउट एनवायरमेंट एंड दिस दे विल इम्प्लीमेंट इन देयर डे टू डे लाइफ एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ द गेम चेंजर एंड द आउटकम ऑफ दिस लार्ज वॉलंटियरिंग इवेंट वेयर मोर देन 80,000 पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल ओवर इंडिया टू क्रिएट दिस रिकॉर्ड. बिल्कुल. तो डेल ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है नीति आयोग और साथ में जो LLF फाउंडेशन है, तो क्या इससे पहले भी आप लोगों ने किसी ऐसे NGOs या किसी अन्य जो संस्थान है उन्हें सपोर्ट किया है? यस, हम काफ़ी डेल मोर देन 18 ईयर्स हैज़ बिन वर्किंग इन दिस सेक्टर एंड एनवायरमेंट इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स आई मस्ट से. सो वी हैव ऑल्सो डन लॉट ऑफ planting of the trees and lot of sustainability projects with several partners. To name few, I can talk about Say Trees. It's another organization which is our cornerstone partner, where we have a goal of planting more than 1 million trees by 2025, and I'm very happy to share that more than 50% of our goal has already been achieved. Wow. Yeah. Congratulations. Yeah. Thank you so much, ma'am. Yeah, sure, my pleasure.